आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है जमीन से संबंधित और आप चाहते जल्दी से जल्दी उसका जजमेंट आपके फेवर में आ जाए, तो बस ये दस्तावेज आप लगा दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स आप लगा दीजिएगा, 100% आपके फेवर में जो है केस आ जाएगा। कौन सा है वो दस्तावेज, कौन सा है वो डॉक्यूमेंट्स, पूरी जानकारी आपको देंगे, कहाँ बनवाना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि क्या होता है आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। सबसे पहले तो आप किसी नोटरी करने के पास चले जाइए, नोटरी के पास स्टैंप पेपर पर कुछ बातें आपको लिखवानी है कि ये जो है मेरी ज़मीन है इस तरह से मुझे मिली थी और इसने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, इतने दिन से कब्जा कर रखा है, ये सारी मेरी ज़मीन है और इस ज़मीन से लेकर जो भी दस्तावेज है वो इतने दस्तावेज मेरे पास है, इतने दिन इतनी तारीख को इसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था और ये कब्जा मैं अभी हटवाना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको स्टैंप पेपर पर लिखवा कर नोटरी करवा देनी है और नीचे देना है कि ये जो बातें हैं वो सारी सही हैं, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। इसके साथ साथ आपको कुछ दस्तावेज और लगाने हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने वो जमीन खरीदी थी उसकी रजिस्ट्री करवाई थी तो वो रजिस्ट्री भी उसके साथ ही लगा देनी है, किस दिन खरीदी थी, उस रजिस्ट्री में सारा डिटेल आ जाता है, उससे संबंधित सारे दस्तावेज उसके साथ लगा देने हैं। अगर वो जमीन आपको गिफ्टेड है तो गिफ्टेड से संबंधित जो भी दस्तावेज बने थे वहां पे वो भी लगा देने हैं, या फिर आपकी पैतृक संपत्ति है तो कौन सी पुश्तों से, मतलब पैतृक टू पैतृक जब आती है तो वो सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, वो दस्तावेज भी आपको कोर्ट में पेश कर देने। यहां पे आपको ये भी क्लियर करना है कि किस तारीख से, किस समय से, किस साल से उस दूसरे व्यक्ति ने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है और जो वो कब्जा है वो कानूनी जो प्रतिकूल शर्तें होती है उनको भी पूरा नहीं कर रहा है, आप उसको हटवाना चाहते हैं और पूरी जितने भी दस्तावेज है जो भी हमने बताया है वो उसको साथ में लगा देना है। अगर आप सही तरीके से अपनी बात को कोर्ट में रखते हैं और कोर्ट को कन्विंस करते हैं कि भाई हम सही हैं तो वाकई में 100% जो है आप केस जीत जाएंगे और जल्दी से जल्दी आपको जजमेंट मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वायरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।